मैंने तुम्हें कहा था ना, कम से कम 60-70 लोगों का खाना चाहिए। चाची जी प्लीज, थोड़ा धीरे बोलिए। इसके घर की हालत तो हम सब जानते ही है ना। अरे वाह, सास के गुजरते ही सुर पंचम में पहुंच गया तेरी बीवी का। आज के बाद इस घर के सारे रीति रिवाज अब तुम निभाओगी राधिका रानी। आपके लिए मेरी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती ना ऋषि। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इस समय आप मेरे साथ होते तो मुझे हौसला मिलता। गॉड प्लीज ब्लेस हर सोल। वो तुम्हारी ताई जी थी, बीमार थी, मरने वाली थी, इसलिए मर गई। बस कीजिए ऋषि प्लीज। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा मत बोलिए। इट्स ओके ऑलराइट। मुझ पर चिल्लाएं ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रीति जी, आप 2 मिनट बाद में अंदर आइएगा, बस 2 मिनट। ठीक है। को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। दिया चलाइए। आप में बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्हें तुम्हारे हवाले करती हूं। प्रीति जी, आपको पता है माँ जी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कब हंसी थी? मुझे पता है। ये क्या कह रहे हैं आप? पता है, एक बार मैं यूं ही माँ जी से मिलने चला गया था और वहां मैंने उन्हें आपको मेरे बाल कैसे लगते हैं? ठीक ही तो है। क्यों, प्रीति ने कुछ कहा क्या? आज तो प्रीति जी ने हद ही कर दी। और मैंने उन्हें बताया कि मेरे बाल असली हैं। और फिर जाके उनको पता चला कि मैं विग नहीं पहनता। हे भगवान, आपने माँ को ये भी बता दिया था? जी प्रीति जी, मैं ये तो नहीं कहता कि आप माँ जी को याद करके आंखें नम ना करें। बस इतना चाहता हूं कि जब भी आप उन्हें याद करें या जब भी आप उनकी बात करें, नम आंखों के बावजूद मुस्कुरा कर करें, जैसे वो किया करती थी, ताकि वो जहां कहीं भी हैं उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा मेरा दिल मानता है, मेरा दिल मानता है प्रीति जी।
ऋषि आप तैयार हैं? हाँ। अरे आपने ये क्या पहन लिया? हमें आज ताई जी के तिये में जाना है ना, आप रुकिए मैं अभी आपके लिए सफेद पजामा कुर्ता लाती हूँ। तिये में कौन जा रहा है? जाना वहां सिर्फ मॉम डैड जा रहे हैं, तुम मेरे साथ आ रही हो पार्टी में, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। ऋषि आप क्या कह रहे हैं, आपको होश भी है? तुम होश में आकर सुनो जा, तुम्हारी मम्मी जी के अलावा और किसी को कोई परवाह नहीं हमारी, और इसीलिए मुझे भी उनके अलावा और किसी की कोई परवाह नहीं। जब मेरी तकलीफ के समय कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था तो उनकी तकलीफ में मैं क्यों शामिल हूं? क्यों? छोड़ो ये सब, तुम जाओ और कपड़े बदलो, जाओ और ढंग के कपड़े पहनो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज की पार्टी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरा पूरा करियर, हमारी पूरी जिंदगी आज की पार्टी पे डिपेंड होती है। तुम्हें पता है कौन है वो? मिस्टर सुजीत अग्रवाल, द इंडस्ट्रियलिस्ट, द फाइनेंसर, द कैपिटलिस्ट, द NRI, एवरीथिंग। उन्होंने हमें पर्सनली उनकी पार्टी में इनवाइट किया, और उनका तो काम ही होता है कि वो दूसरों के बिजनेस में पैसे लगाए। और अगर आज वो हमसे इंप्रेस हो गए तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो हमें कहां से कहां पहुंचा सकते। और तुम बेकार की जिद कर रही हो। ऋषि वो सब कुछ ठीक है आप, लेकिन आज तो हमें तिये में जाना चाहिए ना। ठीक है, मैं आज भी अकेली ही चली जाती हूँ। उन्होंने हम दोनों को बुलाया, इसीलिए मैं वहां अकेले नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा वो गलत है तो अपनी मम्मी जी को फोन करके पूछ लो, उन्हें पूछ लेते कि जो मैं कर रहा वो सही है या गलत। आई एम श्योर कि पिछली बार की तरह वो मेरा ही साथ देंगे। चलो ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारी मम्मी जी को नहीं, हम तुम्हारे ताऊ जी को ही फोन कर लेते और उनसे ही पूछ लेते कि तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना चाहिए या तिये में जाना चाहिए। लाओ नंबर, लाओ उनका। क्या है नंबर बताओ? तो ठीक तो है ना प्रीति? ऋषि, ऋषि मुझे जबरदस्ती पानी में ले आया है। पता नहीं ऋषि बेटे की तबीयत कैसी होगी, इस सारे चक्कर में मैं उसे मिलने भी नहीं जा सकती।
प्रीति, ऋषि, ऋषि मुझे जबरदस्ती पानी में ले आया है। तू इस वक्त किसी पार्टी में? प्रीति तू जानती है ना ताई जी मेरे लिए क्या थी, फिर भी मैं आज वहां नहीं, यहाँ पे मैं कितनी नालायक बेटी हूं ना, ऐसे मत बोल सुमे। प्रीति तू मेरी तरफ से ताई जी से माफी मांग लेना, वो जरूर समझेंगी, समझेंगी ना जान। सुमी फोन पर बात करने नहीं पार्टी करने आए, राइट? ये क्या हो रहा है सुमी के जीवन में? प्रीति बेटा जरा सुमी को फोन लगाना, वो लोग अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? वो चाचा जी, मैं अभी सुमी से ही बात कर रही थी, उसने कहा कि जीजा जी की तबीयत थोड़ी नरम है, तो मैंने ही उससे कहा कि तू वहीं रुक और उनका ख्याल रख, यहाँ पर औपचारिकता की तो कोई बात ही नहीं है ना। और नहीं तो क्या, और वैसे भी उसके सास ससुर तो यहाँ आ ही गए हैं ना, पूरी बारात को लाना थोड़ी ही जरूरी है। पता नहीं ऋषि बेटे की तबीयत कैसी होगी, इस सारे चक्कर में मैं उसे मिलने भी नहीं जा सकती। मेरा मतलब है यहाँ का काम ज्यादा जरूरी है, पता है? ये फूल सोमी की तरफ से, वो नहीं आ सकी ना, बहुत परेशान है वो, उसकी तकलीफें दूर हो जाए आप यही आशीर्वाद देना माँ। That's him, Mr. Sujit Agarwal. The industrialist, the financier, he's a big man. आज हमें किसी भी हालत में उसे इम्प्रेस करना है। बस एक बार वो शीशे में उतर जाए तो हमारा काम चुटकी बजाते ही हो जाएगा। वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब वैसे हम एक काम करते हैं। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जाने काम करो, ये ड्रिंक लो और मिस्टर सुजीत अग्रवाल को जाकर दे दो। आपका मतलब है मैं ये ड्रिंक उन्हें जाके दूं? सुमी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ड्रिंक देने के लिए तो कह रहा, थोड़ी ना खुद पीने के लिए कह रहा। जाओ और जरा स्टाइल में उन्हें ड्रिंक देना, ठीक है? ये लो और जल्दी जाओ वरना वो किसी और के साथ बिजी हो जाएगी। जिसको हरी अप, कम ऑन। जल्दी करो। हाँ
इस तरह की कंपनी और इस तरह के माहौल में साकिब अगर अपने हाथ से पिलाए तो नशा दुगना हो सकता है। Excuse me. Mr. Sujit Agarwal? Yes. You? I'm sorry, I couldn't recollect. हम पहले कहाँ मिले हैं? मैं Mrs. Sumi Rishi Raichand. Oh, you're Rishi's wife. Good. आप ऋषि की बीवी हैं। Lucky guy, I must say. Actually, when I first saw, music बहुत loud है। Yeah. Can you move that side? आइए, please come. No wonder. मैंने आपको पहचाना ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं इससे पहले आपसे मिला नहीं ना, सो प्लीज डोंट माइंड। अदरवाइज आपके जैसा हसीन और खूबसूरत चेहरा तो कोई एक बार देख लेना तो कम वक्त जिंदगी भर नहीं बोल सकता। आपकी ड्रिंक। आपने अभी तक एक भी सिप नहीं पिया, हैव इट? जी नहीं, ये तो मैं आपके लिए लाई थी। फॉर मी? यू मीन आपने ये ड्रिंक खुद अपने हाथों से मेरे लिए बनाई है? ग्रेट, कैन आई? वंडरफुल। आई मस्ट टेल यू कि इस तरह की कंपनी और इस तरह के माहौल में पैमाना साकी अपने हाथ से देने की बजाय अगर अपने हाथ से पिलाए तो नशा दुगना हो सकता है।
आज से इस घर में एक पैसा भी ऐसे फालतू कामों के लिए खर्च नहीं होगा। चाची जी, माँ के काज में खर्च हुए पैसों को आप फालतू खर्च कह रही हैं? ये तो प्रीति, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। मेरे अधिकार क्षेत्र में अनाधिकार दाखिल होने की कोशिश भी मत करना, समझ गई?